हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज मैं बनाने वाली हूँ मसूर की दाल। ये मसूर है जिसे मैंने 1.5 घंटे पहले भिगा के रखा था। अगर आप जल्दी में हो तो आधे घंटे में भी ये भीग जाते हैं। अब इसे कुकर में 3 सीटियाँ करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस नमक और हल्दी डालकर पकाना है। तो जब तक ये दाल पकती है मैं तड़के की तैयारी करूँगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ कड़ी पत्ते, 2 छोटी हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 टमाटर। कुछ लहसुन की कलियाँ ली है, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है दाल में। तो लहसुन और प्याज को फाइनली चॉप करूँगी और टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। आप चाहे तो टमाटर भी फाइनली चॉप करके ले सकते हैं। कुकर की 3 सीटियाँ हो गई है, इसे हम साइड में रखेंगे और गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। बड़ी इलायची और दालचीनी डालेंगे और साथ में जीरा और कड़ी पत्ता डालकर भून लेंगे। गैस मीडियम ही रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं। प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डालकर भून लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनेंगे। टमाटर का पेस्ट डालेंगे और पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, धना पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए और इनमें से तेल अलग हो जाए। मिक्स करेंगे और पकाई हुई दाल डालेंगे। आप देख सकते हो दाल अच्छे से पक गई है। तो अब हमें दाल को इस मसालों के साथ कुछ देर के लिए ही पकाना है और हमारी दाल तैयार है। तो दाल ऐड करेंगे और इस समय आप दाल में पानी और नमक एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितनी गाढ़ी या पतली दाल चाहिए उस हिसाब से। इसे मैं थोड़ा पतला ही रख रही हूँ। ये दाल ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है और अभी इसे तो उबाला आना भी बाकी है, तो वैसे भी ये गाढ़ी हो ही जाएगी। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। इसे गर्मा गर्म चावल या दाल अगर गाढ़ी बनी हो तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और हाँ, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।